राम राम साथियों, मैं मीना कपिल ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज बहुत रोचक विषय के साथ मैं आज एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। साथियों, कई बार परिस्थिति वश हम जानना चाहते हैं कि मेरा आज का दिन कैसा बीतने वाला है। कई बार किसी कारणवश हमारा मन भयभीत हो रहा होता है, बहुत विचलित हो रहे होते हैं, मन में बार बार इच्छा उत्पन्न होती है ये जानने की कि आज का दिन मेरा कैसा बीतेगा, या किसी विशेष दिन के बारे में मन में धड़कन बढ़ रही होती है कि पता नहीं उस दिन मेरे साथ क्या होने वाला है, मेरा कैसा समय बीतेगा। हम लोग शुभ और अशुभ के बीच में झूल रहे होते हैं। ऐसे समय में ज्योतिष विद्या हमारी बहुत मदद करती है। हमें जिस भी दिन के बारे में जानना होता है कि हमारा आज का दिन कैसा गुजरेगा, हम उस दिन का पंचांग देखेंगे कि उस दिन पंचांग में कौन सा नक्षत्र चल रहा है। हमें केवल दो चीजों की जरूरत है, एक तो 28 नक्षत्रों की और दूसरा अपने जन्म नक्षत्र की, अर्थात जन्म के समय हमारा चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है हमें उस नक्षत्र की जरूरत पड़ेगी। उस दिन जो भी नक्षत्र होगा उसके आगे हम गिनती का अंक 1 लिख देंगे, फिर उसके आगे जो भी नक्षत्र है उसके लिए 2 लिखेंगे, फिर नेक्स्ट वाले के लिए 3, इस तरह 28 तक सारे नक्षत्र लिख लेंगे, मतलब नक्षत्रों के आगे गिनती अंक लिख देंगे। जिन जिन नक्षत्रों के आगे 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 या 26 का अंक मिलेगा उस दिन हमें शुभ समाचार मिलेगा। हमारा किसी प्रिय बंधु से मिलाप हो सकता है, धन का लाभ हो सकता है, वो दिन हमारा बहुत शुभ दिन रहेगा, बहुत खुशी से बीतेगा। और मान लो हमारे जन्म नक्षत्र तक हमें गिनती मिल रही है 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24 या फिर 27, यदि ये अंक मिल रहे हैं तो उस दिन आधा दिन खुशी में बीतेगा और आधा दिन फिक्र चिंता में। और अगर हमारे जन्म नक्षत्र पर गिनती अंक समाप्त होता है 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23 या फिर 28, अगर ये अंक मिले तो वो दिन पूरा परेशानी, झगड़े, धन की हानि और चिंताओं में ही व्यतीत होगा। अब मैं एक बार आपको उदाहरण सहित समझाती हूँ कि किस तरह आपने अपने नक्षत्र को चेक करना है। मान लीजिए हमने ये देखना है कि हमारा आज का दिन कैसा बीतने वाला है। जिस दिन के बारे में भी आपके मन में जानने की इच्छा है उस दिन पंचांग में आपने चेक करना है कि कौन सा नक्षत्र चल रहा है, अर्थात उस दिन गोचर में चंद्रमा किस नक्षत्र में होगा। मान लो आज मघा नक्षत्र है और जिस जातक ने देखना है उसके जन्म का नक्षत्र श्रवण है, तो वो क्या करेगा, जो भी नक्षत्र आज है उसके आगे गिनती अंक 1 लिखेगा। मान लीजिए आज मघा नक्षत्र है तो मघा के आगे गिनती अंक लिखा 1, उसके अगला नक्षत्र होता पूर्वा फाल्गुनी तो उसके आगे लिखा 2, उसके आगे है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र तो गिनती अंक होगा 3, इसी तरह हस्त के आगे 4, चित्रा के आगे 5, स्वाति के आगे 6, विशाखा के आगे 7, अनुराधा के आगे 8 का अंक आएगा, ज्येष्ठा के आगे 9, मूला के आगे 10, पूर्वा अषाढ़ा के आगे 11 का अंक आएगा, उत्तरा अषाढ़ा के आगे 12 का अंक, अभिजीत नक्षत्र के आगे 13 का अंक आएगा, क्योंकि उसका जन्म नक्षत्र श्रवण है तो वो श्रवण के आगे 14 का अंक लिखेगा और गिनती लिखनी बंद कर देगा। अब हम चेक करेंगे कि ये 14 का अंक हमारी किस पंक्ति में आ रहा है। तो हमने देखा 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23 और 28 वाली लाइन में हमें 14 का अंक मिला और इस लाइन का फल है वो इस तरह है, उस जातक का पूरा दिन परेशानी में, झगड़ों में, धन की हानि में या फिर चिंता में उसका व्यतीत होने वाला है, अर्थात उसका ये पूरा दिन अशुभ जाने वाला है। अब इस जातक का दिन तो अशुभ हुआ, मान लो कोई उसी दिन किसी और जातक ने भी चेक करना है और उसका जन्म नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद है, जिसका जन्म नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद है क्योंकि उस दिन मघा नक्षत्र है तो
तो गिनती उसने भी मघा से ही शुरू करनी है। वो मघा के आगे एक, पूर्वा फाल्गुनी के आगे दो, उत्तरा फाल्गुनी तीन, हस्त चार, चित्रा पांच, स्वाति छह, विशाखा सात, अनुराधा आठ, ज्येष्ठा नौ, मूला दस, पूर्वा आषाढ़ा ग्यारह, उत्तरा आषाढ़ा बारह, अभिजीत तेरह, श्रवण चौदह, धनिष्ठा नक्षत्र के आगे पंद्रह का अंक आएगा, शतभिषा के आगे सोलह का अंक आएगा क्योंकि उसका अपना जन्म नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद है, उसके आगे उसने सत्रह का अंक लिखना है और गिनती बंद कर देनी है। अब वो चेक करेगा कि सत्रह का अंक किस लाइन में आ रहा है। हमने देखा तीन, छह, दस, तेरह, सत्रह, बीस, चौबीस और सत्ताईस, इस लाइन में उसे अपना सत्रह का अंक प्राप्त हुआ। इसका फल है कि आधा दिन खुशी का और आधा दिन फिक्रों का, मतलब उस जातक के लिए जिसका पूर्वा भाद्रपद जन्म नक्षत्र था उसके लिए आधा दिन फिकर चिंता में निकल जाएगा और आधा दिन खुशी में बीतेगा। अब एक और उदाहरण लेते हैं। इस तीसरे उदाहरण में जातक का जन्म का नक्षत्र मान लो रेवती है, तो उसने भी क्योंकि उसी दिन चेक करना है, उसके लिए भी मघा नक्षत्र से ही शुरुआत होगी। फिर मघा पर एक, पूर्वा फाल्गुनी दो, उत्तरा फाल्गुनी तीन, हस्त चार, चित्रा पांच, स्वाति छह, विशाखा सात, अनुराधा आठ, ज्येष्ठा नौ, मूला दस, पूर्वा आषाढ़ा ग्यारह, उत्तरा आषाढ़ा बारह, अभिजीत तेरह, श्रवण चौदह, धनिष्ठा पंद्रह, शतभिषा सोलह, पूर्वा भाद्रपद सत्रह, उत्तरा भाद्रपद अठारह और रेवती नक्षत्र क्योंकि उसके जन्म का नक्षत्र है, उसने रेवती तक गिना तो 19 आया। जिस दिन का भी आपको चेक करना है उस दिन जो भी नक्षत्र होगा वहां गिनती अंक एक लिखना है, जहां पर आपके जन्म का नक्षत्र आ जाए वहां पर गिनती बंद कर दी। अब इस जातक जिसका रेवती नक्षत्र है उसके लिए 19 पर गिनती खत्म हुई, तो हमने देखना है कि अब इन तीनों में से 19 कहाँ आ रहा है। हमने देखा कि 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 और 26, इस लाइन में उसे 19 का अंक मिला। इस लाइन का फल इस प्रकार है, जे पूरा दिन शुभ दिन है, उस दिन उसे कोई शुभ समाचार मिल सकता है, उसका किसी मित्र से, किसी प्रियजन से उसका मिलाप हो सकता है और उस दिन हो सकता है उसे बहुत सा धन लाभ हो, अर्थात उस दिन उसके लिए सब चीजें शुभ होने वाली है। इस तरह आपने देखा कि किसी विशेष दिन के लिए जब हम जानना चाहते हो कि वो दिन हमारे लिए कैसा बीतने वाला है तो हम अपने जन्म नक्षत्र से 28 नक्षत्रों की लिस्ट में से तय कर सकते हैं कि हमारा ये दिन कैसा जाने वाला है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आज जानकारी आपके काम आएगी। मिलती हूँ जल्द ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा मुस्कुराते रहें। ओम नमः शिवाय।